हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की नई अपडेट है KCET के ऊपर, और KCET वाले को गुड न्यूज़ है गाइस। वीडियो को पूरा देखना गाइस, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो कैसी नई अपडेट्स हमारे साथ आते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फॉलोइंग द हियरिंग, कर्नाटका हाई कोर्ट हैज आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू रिकंसिडर डिसीजन एंड होल्ड एग्जाम्स ऑन जुलाई 30। बोल रहे हैं हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जुलाई 30 को एग्ज़ाम्स होल्ड करें कि नहीं करें, जुलाई 30 को, और बराबर से ये पक्का इरादा करके आप डिसीजन लें, जो कि स्टूडेंट्स को भी आसानी हो, आपको भी आसानी हो, और स्टेट को भी आसानी हो, और ताकि कोई आगे पीछे कोई परेशानी ना हो। इसलिए गाइस, हाई कोर्ट ने बराबर डिसीजन लिया है। उसने बोला कि जुलाई 30 को अब एग्ज़ाम नहीं होगा, उसने बोला है होल्ड एग्ज़ाम्स ऑन जुलाई 30। तो गाइस, आप अब DCM के ऊपर डिपेंड करता है, जो DCM है अश्वथ नारायण, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा डिसीजन लेते हैं और एग्ज़ाम्स कब और किसी हाल में रखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। पॉइंट है गाइस, द कर्नाटका हाईकोर्ट ऑन ट्यूजडे हर्ड टू प्ली द पोस्टपोन द कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट प्ली टू पोस्टपोन द KCET एग्जाम वाज फाइल्ड बाय स्टूडेंट्स हु हैड बीन आर्ग्यूइंग द गवर्नमेंट टू पुश back the exam date in the wake up of coronavirus outbreak. The KCET exams were scheduled on conduct of July 30. का द हाई कोर्ट ने परमिशन दी है कि KCET को पोस्टपोन करने के लिए, ज़रा पुश करने के लिए, और स्टूडेंट्स बहुत आर्ग्यू कर रहे थे कई स्टेट गवर्नमेंट से, हमको बहुत तकलीफ हो रही है एग्ज़ाम लिखने में, ऐसा जो कि कोरोना वायरस पैंडेमिक जो चल रहा है, इसी कारण जुलाई 30 को जो कंडक्ट किया था एग्ज़ाम, अब वो पोस्टपोन हो चुका है गाइस। और अब वो डेट्स वो डिप्टी CM अश्वथ नारायण कब देंगे और कहाँ देंगे और किस हाल में देंगे, वो उन पर निर्भर करता है। और हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन सुना दिया कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होना ही है। तो गाइस, आप KCET वाले के लिए बहुत अच्छी खबर है गाइस, अब DCM के ऊपर डिपेंड होता है कि वो एग्ज़ाम को ही तारीख को रखेंगे और कब और कहाँ रखेंगे गाइस। ये गाइस, इसी तरह से आज की न्यूज़ आज की लेटेस्ट अपडेट खत्म होती है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ऐसी नई अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। और बाय गाइस।